बताएंगे उसको हमको हमने भरने का काम करेंगे, विरोध करेंगे। और नीतीश कुमार जी, अगर आप सही मायने में एनआरसी नहीं चाहते हो तो कल ही विधानसभा बुलाओ, हम लोग समर्थन करेंगे। आप पास कर देंगे एमपीआर बिहार की धरती पे, किसी का नहीं होगा। ये चैलेंज करते हैं कि एक दो व्यक्ति कोई बैठ करके हमको नहीं पूछ सकता और ये नहीं मान सकता कि सबूत पेश करो कि तुम भारत के रहने वाले हो कि नहीं हो। और हम सब लोगों को संकल्प लेना चाहिए, जो इक्का दुक्का जो लोग हैं, जो गलती से सत्ता में आ चुके हैं, जो नथुराम गोडसे के वंशज हैं, जिन्होंने महात्मा गांधी का कत्ल करने का काम किया था, आज उनके कहने पर हम जो है देश की नागरिकता, हम नागरिक हैं कि नहीं है ये कोई मतलब नहीं है कि हम लोगों को सबूत देना पड़े, प्रेस करना पड़े कि हम देश के नागरिक हैं। जो सीए कानून है, एनपीआर, एनआरसी, इसका हम लोगों ने इसलिए ज्यादा समय नहीं है। और खास तौर पे दिल्ली में जिस प्रकार से शाहीनबाग में महिलाओं ने इस आंदोलन को बल देने का काम किया, कोई पॉलिटिकल पार्टी, किसी नेता ने इस आंदोलन को बल नहीं दिया। इस आंदोलन की अगर शुरुआत अगर किसी ने की है तो आम आवाम ने की है, खासतौर पे महिलाओं ने की है, हमारी बेटियों ने की है, हमारी बहनों ने की है, हमारी माताओं ने करने का काम किया है। और लोग कहते हैं कि नौजवान जब जब करवट लेता है तब तक सत्ता पलट होती है, लेकिन आज जो महिलाओं ने जो दिल्ली में जिस तरीके से शाहीनबाग में आकर के लाखों के तादाद में जो प्रोटेस्ट किया है, जो पर्दे के अंदर रहती थी, जो पर्दे के बाहर आई है, इतिहास उनको याद करेगा। जो देश के संविधान के लिए, देश के अमन चैन के लिए जो इन लोगों ने कदम उठाने का काम किया है, मुझे पूरा विश्वास है अगर इसी प्रकार से एकजुट होकर के हम लोग जो है लड़ाई लड़ने का काम करें तो ये काला कानून बैठा हुआ तानाशाह को वापस लेना पड़ेगा। तो जो बैठा हुआ अधिकारी होगा वो मोदी जी का बैठाया हुआ अधिकारी होगा, वो मानेगा कि नहीं मानेगा ये भी तय नहीं है। तो आप लोग जानिए ये जो मॉडल है आरएसएस का, ये किस प्रकार से खतरनाक मॉडल है। यहाँ कोई नहीं, आप लोगों को देखना है भाजपा से कौन लड़ेगा, आरएसएस से कौन लड़ेगा। जो लोग आए माई धरा भाषण दिया, चल दिए, क्या वैसे लड़ाई होने वाली है? आपने देश की जनता ने वोट दिया तो वोट से नरेंद्र मोदी जी ने सरकार बनाया, देश के प्रधानमंत्री बने। आप कैसे बने, नहीं बने, मशीन में गड़बड़ तो अलग विषय है, लेकिन वोट में जवाब उसका वोट ही होगा। अगर हराना है तो वोट से हराना। हम तो सलाम करते हैं झारखंड की जनता को, वहाँ बहुत बड़े बड़े लोग आए, बहुत नई नई पार्टियां बना करके आए, जहाँ जहाँ अल्पसंख्यकों की आबादी है वहाँ वहाँ अल्पसंख्यक उम्मीदवार खड़ा किया गया आरएसएस को, बीजेपी को मजबूत करने के लिए। लेकिन झारखंड की जनता ने ये साबित कर दिया, और हम लोग जो महागठबंधन मिल करके बनाए थे, झारखंड की जनता ने उस पर मोहर बनाया और बीजेपी को हराने का हम लोगों ने काम किया। हर नहीं बच्चा वो कहाँ से कागज ला करके नागरिकता साबित करने का काम करेगा? ये जानने के किसी का घर जल गया, वो कहाँ से लाएगा नागरिकता साबित करने के लिए? और देश के नागरिक होने के लिए आपकी क्या परिचय होना चाहिए, क्या कार्ड होना चाहिए, पहचान पत्र होना चाहिए। हम लोगों को यही समझते थे वोटर आईडी, पासपोर्ट, आधार कार्ड, लेकिन आप जानते होंगे वोटर आईडी अगर पहचान नहीं बता सकता, नागरिकता साबित नहीं कर सकता, तो हम एक सवाल पूछना चाहते हैं केंद्र सरकार से, अगर वोटर आईडी नागरिकता साबित नहीं करता है तो नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री कैसे बन गए, कैसे बन गए नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री। दूसरा, आधार कार्ड जो है अगर वो नहीं साबित करता हमारी नागरिकता, तो मोदी जी ने हर खाते से क्यों बैंक को लिंक कराया, आधार कार्ड को लिंक कराओ। तीसरा, पासपोर्ट, अगर पासपोर्ट नागरिकता साबित नहीं करता तो पासपोर्ट के ऊपर क्या लिखा हुआ है, भारत गणराज्य, यानी भारत के नागरिक। अब हमको कौन सा कागज लाना पड़ेगा। बिहार और झारखंड की तमाम खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।